सच में रिव्यू करने के लिए पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। और जब ये मूवी देख रहा था मेरा इतना हेडेक कर रहा था यार, मतलब बैठा नहीं जा रहा था इस मूवी के सामने। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, यहाँ सभी ज्ञानी है मूवी के बारे में, नाम तो बहुत बड़ा है। एक्चुअल में इस मूवी का नाम होना चाहिए था सरदर्द, काफी ज्यादा सेंस बनता। इस मूवी को डायरेक्ट और राइट एक ही इंसान ने किया है, अनंत त्रिपाठी ने। अरे टिटू तालियां बजाओ इसके लिए। अब इसकी कहानी पर आते हैं। इसकी कहानी है कानपुर के एक परिवार की, उसके एक मुखिया है वहां पे पप्पू तिवारी और उनकी वाइफ है मंजू। और ये जो पप्पू तिवारी उनकी वाइफ, ये पूरी की पूरी फैमिली एक बाबे के बाबा मतलब एक बाबा के कहने पर काफी काम करती है। पंडित होता है शायद, बाबा होता है, जो भी होता है, उसके कहने पर बहुत काम करती है। वो फेक है इसके अंदर साफ तौर पर, आप जब भी मूवी देखोगे आपको पता चल जाएगा। इतनी अजीबो गरीब उसके अंदर परफॉर्मेंस है, वो लगता ही नहीं यार किसी भी एंगल से एक बाबा दिखाने का। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये सब चीज़ें डाली इसके अंदर। तो खैर, जो होते हैं ना ढोंगे बाबा, जैसे कि आप देख सकते हो तो, देखो यार ऑफेंस होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जेल में। तो इन जैसे बाबाओं के कहने पर ये लोग काम करते हैं। ये बाबा कहेगा कि भाई तुम्हें तुम्हारे घर में गड़ा हुआ सोना है, वहाँ पे बहुत सारे एक सोने का एक आपको पता नहीं मटका मुटका जो भी मिलेगा। तो इन दोनों बेवकूफ़ों ने मान ली। बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है गोल्डी, उसकी शादी जो है किन्नी भैया MLA ऐसा एक इसमें करेक्टर है, उसके बेटे से कर दो। इन दोनों बेवकूफ़ों ने वो भी मान ली। तो बस यही कहानी है। ये लड़की गोल्डी जो है वो शादी नहीं करना चाहती उस लंगूर जैसी शक्ल आदमी के साथ, और ये पूरा का पूरा परिवार साथ ही साथ एक उस खजाने को भी ढूंढना चाहते हैं जो उस बाबा ने इनके दिमाग में डाल दिया था। किन्नी भैया MLA जो दहेज के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी रकम मांग रहा है, लाखों में 10 लाख, 18 लाख, 18 लाख की गाड़ी, 10 लाख नकद उसे चाहिए। तो एक तरफ दहेज के लिए इसमें दिखाया गया। एक्चुअल में जो चीज़ें मुझे इसके अंदर, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि इसमें रेट लिस्ट लगा रखी थी कि IAS के लिए 80-70 लाख, ऐसे नीचे नीचे सबसे कम था 84। मतलब उत्तर प्रदेश में एक्चुअल में चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैंने, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे पूछा था काफ़ी टाइम पहले, पूछा था मगर यार ऐसा सचमुच में होता है? तो उसने कहा था यार उत्तर प्रदेश में ना एक क्लियरली एक बोली लगती है कि लड़कों की, जिसके पास सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट जॉब होगी उसको क्या कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रुपए मिलेगा दहेज में, और चपरासी को 30 लाख रुपए, ऐसे रेट लिस्ट होती है इसके अंदर, जो मुझे देखकर काफ़ी पसंद आया यहाँ पे। तो किन्नी भैया MLA जो है वो दहेज के लिए बहुत रकम मांग रहा है, और एटलीस्ट लास्ट में जो है दहेज के लिए इसे पुलिस लेके चली जाती है और उनको खजाना भी नहीं मिलता जब मूवी एंड होती है। अब ये मत सोचना कि मैंने स्पॉयलर दे दिया। देखो यार स्पॉयलर नहीं दिए, आप लोगों के 2 घंटे मैंने बचा दिए, क्योंकि इतनी वाहियात मूवी जब देखोगे तब यही सोच रहे होगे ये क्या देख लिया। इस मूवी की कहानी इतनी वाहियात है, इस आप जब बोर हो रहे होते हो, जब मैं बोर होता हूँ या फिर कोई भी इंसान जब बोर होता है, नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, जब वो बोर होता है तो वो क्या सोचता है, यार चलो यार कुछ मूवी देख ले। मूवी की बात हो रही है तो यहाँ पे मूवी मैं एग्जांपल लूँगा, तो कोई मूवी देखने बैठता है तो मूवी एज ए एंटरटेनमेंट कि भाई मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, मैं बोर नहीं होऊंगा, कुछ देर हंस लूंगा, ऐसा कुछ सोच के आप मूवी देखने बैठते हो। और वो मूवी जितने आप खाली बैठे थे उसमें जितने बोर हो रहे थे उससे कहीं ज़्यादा वो आपको बोर कर दे, ऊपर से इरिटेट और कर दे, तो कितना गुस्सा आता है यार। उस मूवी को क्या कहोगे यार, उसको कहोगे कचरा, और ये वही मूवी है। और अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे अरे तो इस मूवी की भी इतनी बेइज्जती मत कर, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को कहना चाहूँगा, कान खोल के ध्यान से सुनना, गधा तो मेहनत भी करता है, और गधा तो वो इंसान भी करता है जो एक दीवार को सुबह से लेकर शाम तक धक्के मार रहे हैं ताकि वो दीवार थोड़ी आगे सरक जाए। तो क्या मैं उस बेवकूफ़ इंसान को उसके लिए मैं वाह वाह करने लग जाऊँ, वाह वाह क्या मेहनत कर रहे हैं, अभी रहेगा तो वो बेवकूफ़ ही। और देखो यार कोई एहसान नहीं करते ये मेहनत करके, ये अपने लिए काम करते हैं, इनको बेनिफिट होता है इसलिए वो मेहनत करते हैं, और ऊपर से हमारे 2 घंटे ये बर्बाद करके जा रहे हैं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन तो मैं इसके ऊपर निकालूंगा ही। हाँ, जो चीज़ें अच्छी लगी उसको अप्रिशिएट करने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मतलब अच्छा लगता है कि उसको अप्रिशिएट करूँ। जैसे इसके अंदर मुझे सिर्फ 2 ही इंसानों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी, एक पप्पू तिवारी और एक उनके साले की जो है, उन दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी, अच्छी लगी। बाकी जितनी भी जिनकी भी परफॉर्मेंस थी इस मूवी के अंदर इतनी वाहियात और जिसको असहनीय कहेंगे ना यार, वो चीज़ें थी। दिन पर दिन यार ये मूवी मैंने क्यों सोची देखी, यही मैं मतलब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है यार, क्या सोच के मैंने इतनी वाहियात मूवी को देख लिया। वैसे मैंने इसका ट्रेलर देखा था, फिर भी सोचा यार क्यों ना यार एक, हाँ कुछ अच्छा हो सकता है, एक किसी इंसान ने बनाने की कोशिश की है, तो ये सोच कर अपने दिल को मजबूत करके मूवी देखने बैठा था।
बट यार कसम से बहुत घटिया मूवी है, और घटिया को घटिया ही कहूंगा मैं। और अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यानी कुल मिलाकर अगर बात मैं कहूं, तो मूवी के अंदर कोई कहानी नहीं है, मूवी के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मूवी वाहियात इरिटेट करने वाली है और कुछ नहीं है इस मूवी के अंदर। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 star। अब मैं ये सोच रहा हूं मैंने इसे 1 star क्यों दिया, गधे ने मेहनत की ये बात मान ली क्या मैंने? खैर जो भी था छोड़ो उस चीज को। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? अगर किसी ने गलती से, जिसकी किस्मत खराब है, उसने ये मूवी देख ली, देख रखी है, मेरी तरह से जैसे मेरी किस्मत खराब थी, वैसे खराब तो क्या कहूंगा, मुझे रिव्यू करना था इसलिए मैंने ये मूवी देख ली, कुछ और तो मुझे मिल नहीं रहा था, यही बकवास मूवी देखी मैंने, तो किसी ने भी ये मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके अपने बुरे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है तो भैया दूर रहो इन सब चीजों से, कुछ और चीजें हैं उनको देखो, किताब पढ़ लो यार इससे बेटर तो, या फिर सो जाओ वो बेटर रहेगा, ये मूवी मत देखना यार। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।